हमें इस बात का गौरव है कि ड्रिप इरिगेशन योजना एवं मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत पूरे देश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से हुई। टोनी देवी मंदिर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा आयोजित एक दिवसीय कृषि गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं किसानों को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। इस किसान गोष्ठी में जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों से 450 किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि ने किया। जिला हमीरपुर में इस समय 970 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 4000 किसानों का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है, वह प्राकृतिक खेती के जरिए हासिल किया जा सकता है। किसान भाई कैसे प्राकृतिक खेती एवं जीरो बजट खेती को अपनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, इससे जुड़े हर पहलू और हर जानकारी को आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को किसानों तक अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए। प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के ऊपर चिंता प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2009 में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई थी। यही नहीं, अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं जो प्लास्टिक की पैकिंग में आती हैं, उनसे उपजे प्लास्टिक के कचरे को यहां वहां न फेंककर उसका भी इस्तेमाल कर उसके दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाने की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने तब बनाई थी। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में घर घर से प्लास्टिक का कचरा पंचायत को बेचा जाना था, जिसको आगे पंचायत पीडब्ल्यूडी विभाग को बेचती है और पीडब्ल्यू विभाग उस प्लास्टिक को सड़क निर्माण कार्य में उपयोग में लाना था। इसके लिए प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के हर डिवीजन को श्रेडर मशीन उपलब्ध करवाई गई और इस योजना पर काम भी हुआ। फलस्वरूप सड़क निर्माण में आने वाली लागत में 25,000 से 30,000 रुपए प्रति किलोमीटर की कमी आई थी। उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों ही योजनाओं को अपनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किचन गार्डन की व्यवस्था दोबारा अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि आज गांव और शहरों में प्राय देखा जाता है कि पक्के मकानों एवं पक्के आंगन बनाने के चक्कर में लोगों ने किचन गार्डन बनाना छोड़ दिए हैं, अन्यथा ये व्यवस्था भी पूरी तरह प्राकृतिक अथवा जैविक खेती का ही एक रूप थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक कृषि के लिए गोवंश को उपयोगी बताते हुए कहा कि गाय अपने दूध के अलावा गोमूत्र एवं गोबर के कारण भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के लिए रासायनिक खादों को दरकिनार कर पूरी तरह पशुओं के गोबर पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसानों को गाय पालनी चाहिए तथा गाय में भी देसी पहाड़ी गाय आदि हो तो वह सर्वोत्तम होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणों से सीधा ऊर्जा लेती है और उसका दूध और भी ज्यादा पौष्टिक होता है। सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक मैदान को सुंदर बनाने के लिए उपायुक्त के आदेश के अनुसार लगभग 120 पौधे चुगान के चारों तरफ लगाए गए, जिसके लिए स्थानीय तहसीलदार अशोक पठानिया की अध्यक्षता में बेखंड वन अधिकारी रामदीप की अध्यक्षता में 120 पौधे चौहान के चारों तरफ लगाए गए, जिसमें अशोक का रुद्राक्ष नीम चंदन के वृक्ष लगाए गए। ये पौधे रवि शंकर के भक्तों द्वारा अनुयायियों द्वारा वन विभाग को दिए गए थे, जिसके लिए प्रशासन ने रविशंकर के अनुयायियों का धन्यवाद किया। जिला अग्रणी बैंक कार्यालय हमीरपुर द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा आरबीआई शिमला के सहयोग से वित्तीय जागरूकता तथा हमीर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग, उद्योग, पुलिस, सहकारी सभाएं, रोजगार सुविधा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पशुपालन, शिक्षा, पंजाब नेशनल बैंक, कनेरा बैंक, हमीरपुर के अतिरिक्त विभिन्न विभागों तथा बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के एजीएम मृदु रस्तोगी ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है, ताकि लोग वित्तीय लेन देन के मामले में विभिन्न प्रकार की कंपनियों की धोखाधड़ी से बच सके।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सेवी से पंजीकृत कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। उन्होंने निवेशकों की सुरक्षा तथा हितों को लेकर सेवी द्वारा लागू किए जा रहे नियमों तथा पहलुओं को भी विस्तार से जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक शिमला इकाई के AGM अवनेश्वर सिंह ने डिजिटल भुगतान तथा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अपने बैंक खातों, ATM, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के पिन नंबर किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ATM प्रयोग करने वाले सभी बैंक ग्राहकों को अपने पिन कोड नंबर तथा CVV नंबर को किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए। फेक मोबाइल कॉल तथा संदेश पर विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित बैंक शाखा के अधिकारी से फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक बैंक की वेबसाइट पर तुरंत लिंक कर ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। बैंक से संबंधित खातों में अपना मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाने के साथ मैसेज अलर्ट की सुविधा लें, ताकि बैंक खाते से किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर सेवी के DGM दिनेश जोशी तथा LDM हमीरपुर GC बट TV उपस्थित थे।